हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो अभी कुछ टाइम पहले ही डीएसपी स्मॉल के फंड और एसबीआई स्मॉल के फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए रीओपनिंग की थी, रीस्टार्टिंग की थी, क्योंकि जो मार्केट है ऑलरेडी 30% गिर चुकी है। तो सभी जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट हो। तो उसी के साथ जो मैंने आपको पिछले वीक बताया था, डीएसपी और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो रीओपनिंग की थी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसी प्रकार आज जो है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी निपुण स्मॉल कैप फंड में जो है रीओपनिंग की है, रीस्टार्टिंग आज से। तो चलिए आपको सब कुछ उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए। और वीडियो तब लाइक करना जब आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए बात करते हैं। तो फॉलोइंग द फूट स्टेप ऑफ डीएसपी म्यूचुअल फंड एंड एसबीआई म्यूचुअल फंड, निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड टुडे रीओपन लमसम सब्सक्रिप्शन इन निप्पन स्मॉल कैप फंड आफ्टर ए गैप ऑफ 2 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने अपनी रीओपनिंग की थी, तो उनके देखते हुए निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी अपनी सब्सक्रिप्शन जो है लमसम सब्सक्रिप्शन स्कीम्स में रीओपनिंग की है आफ्टर एक 2 साल के बाद। तो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, मैनी म्यूचुअल फंड हाउसेज आर लाइकली टू रीओपन देयर स्मॉल कैप स्कीम्स ड्यू टू अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस अवेलेबल इन द स्मॉल कैप स्पेस आफ्टर द रिसेंट फॉल इन द स्टॉक मार्केट। तो जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं, जो उनके मुताबिक जो है कई म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो रीओपन करना चाहते हैं अपनी स्मॉल कैप स्कीम्स को। वैल्यूएशन जो कि हम मार्केट में इस टाइम मिल रहा है, आपके पसंदीदा शेयर्स जो हैं आपके रेट पर मिल रहे हैं, तो उनको देखते हुए जो जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके हाउसेज जो हैं रीओपन करना चाहते हैं अपने अपने फंड्स को, जिन जिन्होंने ब्रेक लगा रखा था लमसम अमाउंट के लिए। तो वो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में फैला हुआ है और शेयर अच्छे रेट पर मिल रहे हैं। तो निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विदड्रा रिमूव एग्जिस्टिंग लिमिट्स ऑन सब्सक्रिप्शंस ऑन यूनिट्स इन निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड्स, दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 3 अप्रैल। तो जो निपुण लाइफ एएमसी है, उन्होंने डिसाइड किया है जो उन पर विदड्रा और एग्जिस्टिंग लिमिट्स की जो सब्सक्रिप्शन की यूनिट्स पर जो लॉक लग रहा था लॉक टाइम, तो वो उन्होंने रिमूव करने का फैसला लिया है। और जो है ये एप्लीकेबल होगा 3 अप्रैल से, मतलब कि आज से ही। तो इन 2018 द फंड हाउस इज सेइंग दैट द लिमिट्स ऑन सब्सक्रिप्शंस ऑफ यूनिट्स हैज़ बीन डन विद ए व्यू दैट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द स्कीम। डी एस पी स्मॉल कैप एंड एस बी आई स्मॉल कैप हैव डिसाइडेड टू ओपन द स्कीम अगेन विच द स्टॉप्ड वन टाइम इन्वेस्टमेंट वैन द मार्केट वॉज टचिंग द हिस्टोरिकल हाई इन 2018। तो 2018 में जो हाउसेज थे, फंड हाउसेज, जिन्होंने लॉक टाइम लॉक कर दिए थी लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्होंने 2018 में डीएसपी स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप ने जो जब लॉक किया था लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम में, तो वो ये बात थी कि जब मार्केट जो है टचिंग हिस्टोरिकल हाई था उस टाइम 2018 में, जो सबसे ज़्यादा जो एक हाई बना था मार्केट का वो था, और ये कहकर बंद कर दिया था कि जो उनके फंड की जो वो साइज है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते। तो आगे बात करते हैं, वी फील देयर से लोट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्मॉल कैप स्पेस, रिस्क रिवार्ड इज टर्निंग फेवरेबल फॉर स्मॉल कैप, हिस्टोरिकल शार्प करेक्शन क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन द लॉन्ग रन, सेज समीर रच फंड मैनेजर निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो वो कह जो हैं समीर रच, मैं आपको बता दूँ फंड मैनेजर हैं जो कि निप्पन स्मॉल कैप फंड जी के स्मॉल कैप फंड के, वो कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी जो है स्मॉल कैप जगह पे देखने को मिल रही हैं। रिस्क तो अब पता ही आपको, रिस्क तो होगा ही स्मॉल कैप फंड्स में, तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी रिस्क होता ही है। तो वो कह रहे हैं कि जो करेक्शन हो रही है इस टाइम मार्केट में, वो एक रिस्केबल लगता है, बट इन लॉन्ग रन अगर हम लंबे नज़रिए से देखें तो एक ये अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं समीर रज फंड मैनेजर जी कह रहे हैं, जो कि निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड के मैनेजर हैं। तो देखिए, डिटेल मैं आपको पूरी नहीं दे रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप फिर सुनते हैं नहीं मेरी बात। तो मैं पूरी, अगर आपको पढ़नी है तो आप ET न्यूज़ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फ़ंड के बारे में रिव्यू कर देता हूँ आपको। तो जो फंड की लॉन्च डेट है बाबूजी, 16 सितंबर 2010 को फंड लॉन्च हुआ था। फंड मैनेजर जी का मैंने नाम आपको बता दिया, समीर रच जी जो है फंड मैनेजर हैं। बेंचमार्क है जो S&P BSE स्मॉल कैप
100 BN बेंचमार्क हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 1 मंथ में बावजूद रिटर्न कुछ ठीक देखने को नहीं मिल रही हैं, नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 31.17% की रिटर्न्स हैं। 1 ईयर की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही हैं, 33.55% की नेगेटिव रिटर्न्स हैं। और 3 ईयर की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही हैं बाऊजी, 20.02%। और 5 ईयर की बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रही हैं, प्लस 15.37%। और जब से फ़ंड लॉन्च हुआ है यानी कि 2010 से, तब से हमें इन्वेस्टर्स को 160.57% की रिटर्न्स मिली है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। तो मतलब कि आपका पैसा 2 गुना होते होते थोड़ा सा रह गया, 40% रह गया। तो AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 8,566.82 करोड़ का एसेट है इस टाइम जो फंड में है। तो एग्जिट लोड की बात करें, 4 यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 12 मंथ। देखिए, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा यूनिट्स बेचते हैं तो आपको 1% जो है एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 10% से नीचे बेचते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा विद इन 12 मंथ्स। तो देखिए, मैं कोई आपको राय नहीं दूंगा फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आप एक लंबा विज़न रखते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं फंड में और हाई रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आप इस फंड में ज़रूर निवेश कीजिए। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए।